अरविंद केजरीवाल ने कह दी अखिलेश यादव के मन की बात, बता दिया क्या है भाजपा का नया प्लान, 2 महीने बाद यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे योगी, खुद मोदी होंगे रिटायर, अमित शाह ने बिछा रखी है गोट, अगर सच में ऐसा हुआ तो मच जाएगा बवाल। जेल में बैठे बैठे भाजपा की पूरी प्लानिंग समझ गए हैं केजरीवाल, खुलासे सुनकर सियासत में आया भूचाल। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर क्या आए, सियासत में तूफान ही मचा दिया। कल से लेकर अब तक सियासत में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, केजरीवाल का। अमित शाह और मोदी की रैलियां चल रही हैं, योगी आदित्यनाथ कन्नौज में थे, लेकिन बातें सिर्फ केजरीवाल की जा रही है। हर कोई केजरीवाल के बयान सुनना चाहता है, उनकी बात को समझना चाहता है और ये जानना चाहता है कि आखिर केजरीवाल की अगली प्लानिंग क्या है। इस बीच केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता से रूबरू हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आने वाली प्लानिंग को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हर हाल में जाने वाली है। अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा हारती है तो भी योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और अगर जीतती है तो भी अमित शाह ने उन्हें हटाने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि जो लोग ये पूछते हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो आज मैं इसका जवाब भी देना चाहता हूं। पहले मैं भाजपा से ये पूछूंगा कि आखिर 17 दिसंबर को मोदी जब 75 साल के हो जाएंगे तो फिर उनके रिटायर होने के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। केजरीवाल ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पहले योगी को निपटाएंगे ताकि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार न बन जाए और फिर मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाकर कुर्सी छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि वोट अपने लिए मांग रहे हैं लेकिन गोटे अमित शाह के लिए सेट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, उनका पूरा बयान पहले सुनिए फिर आगे की बात करेंगे। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है, योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग, योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा देश महान है, जनतंत्र को खत्म करने वालों को देश खत्म कर देगा, मैं सत्ता के खिलाफ लड़ रहा हूँ, 140 करोड़ जनता का साथ मुझे चाहिए, इस तानाशाही से बचाने के लिए जनता का साथ ही सबसे बड़ा साथ होगा। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे 21 दिन का जो समय मिला है इसमें मैं लगातार काम करूंगा और पूरे देश का भ्रमण करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने समझाया कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन की राजनीति खत्म की, शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव जिताया उनकी सत्ता छीन ली, वसुंधरा राजे, खट्टर साहब और रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी, ऐसे में अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये चुनाव जीत गए तो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का सीएम बदल दिया जाएगा, यही मोदी जी की तानाशाही है। उन्होंने दावा किया कि वन नेशन वन लीडर की नीति पर प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि देश में विपक्ष या फिर उनकी ही पार्टी का कोई नेता खड़ा हो, वो सिर्फ अपना चेहरा आगे रखना चाहते हैं और अपने बाद अमित शाह को आगे करना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है, सिर्फ 2 राज्यों में मौजूद है, लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी हमारी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं रखना चाहते, एक साथ हमारे 4 नेताओं को जेल भेज दिया गया, अगर किसी दूसरी बड़ी पार्टी के 4 शीर्ष नेता जेल चले जाते तो वो पार्टी खत्म हो जाती, लेकिन हमारी पार्टी जनता से जुड़ी हुई है, यही वजह है कि हम अभी तक बरकरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।